Swiss Beauty Concealer. Why is it so famous? So, hi guys, I am so late for this review, but दे रहा है दुरुस्त है, right? तो बात करते हैं इतना ज्यादा famous क्यों है, चलिए देखते हैं. First यहाँ पे इसके packaging की बात करते हैं. तो पैकेजिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर ये आता है कार्डबोर्ड टाइप के पैकेजिंग में, तो इतना ज्यादा बड़ा बॉक्स देने की कोई नीड ही नहीं थी, बिकॉज इंटरनल जो है ना वो आपको इतना ही मिलता है. 199 का आपको ये मिल जाता है. इसका जो है ना ग्लास टाइप में है ये, और इसमें आपको जो ये कैप आपको ब्लैक कलर का मिल जाता है. ग्लास बॉटल में आपको ये मिलता है. यहाँ पर मैंने इसको यूज कर लिया है, इस वजह से मैं आपके साथ में इसका रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ. इससे पहले मैंने इसको यूज नहीं किया था, इसलिए मैंने कोई फेक रिव्यू भी आपके साथ में शेयर नहीं किया. तो यहाँ पर इसमें टोटल कितने शेड्स आपको मिलते हैं और कौन सा आपके लिए सुटेबल रहेगा जो कि ऑक्सीडाइज भी ना हो. So, इसमें आते हैं टोटल 6 शेड्स. आपको ना 01 और 06 फर्स्ट एंड लास्ट कभी भी बाय नहीं करना है, बिकॉज वो ना बहुत ज्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो उनका तो बाय करने का सेंस ही नहीं बनता है. तो आप कौन सा बाय कर सकते हो और मेरा शेड कौन सा है इसमें स्विस ब्यूटी के कंसीलर में, तो यहाँ पर जो मेरा शेड है सबसे ज्यादा लाइटर शेड 02 शेड है पूरे ही शेड रेंज में, सैंड सेबल. तो आप भी वो बाय कर सकते हो अगर आपकी स्किन टोन येलो अंडरटोन में है, और या फिर आपकी स्किन टोन जो है वो मीडियम टू फेयर स्किन टाइप में है, तो आप बाय कर सकते हो ये वाला 02 शेड. नहीं तो आप 02 से लेकर 05 तक कोई सा भी शेड बाय कर सकते हो. यहाँ पर मैंने हाइलाइटिंग पर्पस से लिया था, दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा लाइटर शेड लिया है, क्योंकि ना ये होता है थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइज हो ही जाता है. और देखते हैं, अब डेमो में आपको दिखाती हूँ ये आपके डार्क सर्कल को थोड़ा बहुत हाइड करेगा या फिर नहीं करेगा, और कैसे आपको कवरेज देगा. तो यहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, बहुत कम ही क्वांटिटी में मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ. अब उसके बाद मैं इसको ब्लेंड भी करूंगी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से. तो ये हाइलाइटिंग पर्पस से ना काफी ज्यादा अच्छा है ये वाला शेड आपका. तो अब यहाँ पे ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हो कितनी ज्यादा अच्छी कवरेज ये आपको दे रहा है. अगर मैं मेबेलिन की भी बात करूँ तो उससे भी ज्यादा हाई कवरेज आपको दे रहा है. आप दोनों आईज में डिफरेंस देख सकते हो किसमें आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, और आपके जो डार्क सर्कल है ना उसको भी काफी अच्छे से हाइड कर देगा. अब मैं पूरा रेडी होकर आती हूँ तब आपको दिखती हूँ. और राइट, ये जो मैंने मेकअप किया है ना उसमें इस कंसीलर का ही यूज किया, और आप देख सकते हो कितनी ज्यादा अच्छी फिनिशिंग आपको देता है, कितनी अच्छी कवरेज आपको प्रोवाइड करता है, वो भी इतने कम प्राइस में, अफोर्डेबल रेंज में, यानी कि 199 रुपीस में. शायद ये इसीलिए इतना ज्यादा फेमस है क्योंकि इसकी कवरेज ना काफी ज्यादा हाई है और आपको अफोर्डेबल रेंज में मिलता है, इसलिए बहुत ज्यादा ये फेमस है. और एक और मेन चीज आपको बताऊं, आप इसको लगा लेते हो ना उसके बाद आई शेडो अप्लाई करते हो तो वो भी काफी ज्यादा पिगमेंटेड दिखते हैं. अब देखते हैं कितनी देर में ऑक्सीडाइज हो जाता है. मैंने इसको 30 मिनट्स के लिए अप्लाई किया अपने हैंड्स के ऊपर, तब मैं आपको स्वेचेस दिखाती हूँ. सो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ अपने हैंड के ऊपर इसे अप्लाई करके कि ये कितनी देर में ऑक्सीडाइज होगा, या होगा भी या फिर नहीं होगा. तो यहाँ पर मैंने इसको ऐसे अप्लाई कर लिया है. अब मैं 30 मिनट्स के लिए वेट करती हूँ, देन आपको दिखाती हूँ. सो यहाँ पर मैंने 30 मिनट्स बाद ये देख सकते हो आप, देन मैं दोबारा से अप्लाई कर रही हूँ इस कंसीलर को, और आप डिफरेंस देख सकते हो. मैंने टोटल 30 मिनट्स ही इसको रखा है, उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, और आप देख सकते हो ये मेरे को तो नहीं लगता कुछ ऑक्सीडाइज हुआ है, लेकिन ये हो सकता है फेस के ऊपर अगर आपकी ज़्यादा ऑयली स्किन टाइप्स हैं तो. लेकिन फिर भी इसका जो कवरेज है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और इतना ज़्यादा जो कि है ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है. सो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने अभी तक इस कंसीलर को यूज किया है या फिर नहीं किया है. और हाँ, तब तक कहीं जाना नहीं है. अगर आपको 1 मंथ में अपनी हेयर ग्रोथ काफी ज्यादा लॉन्ग करनी है तो आप देख सकते हो ये वाली वीडियो.